नमस्कार, अर्चना डेलिकेसीज में आपका स्वागत है। आज मैं बेसन की सब्जी बनाने जा रही हूँ। बेसन की सब्जी बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। इसको मैंने बहुत ही अलग तरीके से बनाया है। आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम शुरू करते हैं बेसन की सब्जी बनाना। बेसन की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हमें 1 कप बेसन चाहिए और उसमें हम 1 टुकड़ा अदरक घिस के डाल देंगे और 2 हरी मिर्च काट के डाल देंगे, 2 चुटकी हींग डाल देंगे और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे इसमें और थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया पत्ती और लाल मिर्च का पाउडर थोड़ा सा और नमक डाल देंगे और थोड़ा सा अजवाइन 1/4 चम्मच अजवाइन और सबको हम पहले सूखा थोड़ा सा मिलाएंगे। उसके बाद 1 कप पानी डाल के इसको अच्छे से मिलाएंगे जिससे कि इसमें कहीं भी गांठे ना रहे। अच्छे से इसको मिलाएंगे और उसके बाद हम फिर बाकी का पानी डालेंगे। पहले हम थोड़ा पानी में इसको मिला लेंगे। अब हम फिर से 1 कप पानी डाल देंगे जिससे ढीला सा पतला सा घोल बन जाए इसका, इस तरह से। ये घोल तैयार हो चुका है। अब हम इसको साइड में रख लेंगे, इसको अच्छे से फेंट लेना है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे और उसमें हम तेल गर्म होने के बाद पेस्ट को डाल देंगे और चलाते रहेंगे। इसको लगातार चलाते रहना है, इस तरह से 2 मिनट तक इसको हम लगातार चलाते रहेंगे। आप नॉनस्टिक कढ़ाई ले लें जिसमें ये अच्छे से पकड़ेगा नहीं और अच्छे से भुन जाएगा। अब ये इस तरह से तैयार हो जाएगा। अब मैंने एक प्लेट ले लिया है, उसमें ब्रश से थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, रिफाइंड ऑयल लगाना है अच्छे से। इस तरह से हम इसमें ऑयल लगा लेंगे। अब हमने जो पेस्ट तैयार किया है उसको इसके ऊपर अच्छे से फैला लेंगे, इस तरह से उसको फैला लें। ये थोड़ा गर्म होता है तो इसको इस तरह से फैला लेंगे हम हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा के, अच्छे से ये सेट हो जाता है। अब हम एक चाकू से इसको इस तरह से काट लेंगे। आप इसको कोई भी शेप में काट सकते हैं, मैंने चकोर में काटा है। आप बर्फी के शेप में भी इसको काट सकते हैं, बस ये ठंडा हो जाए उसके बाद ही काटना, नहीं तो ये टूट जाएंगे। ये अब कट चुके हैं, इस तरह से पीसेस बन गए हैं। आप देख रहे हैं कितने अच्छे पीसेस बने हैं। अब मैंने एक कढ़ाई लिया है और उसमें अच्छे से ऑयल ले लिया है और गर्म होने के बाद हम इसको सारे को फ्राई कर लेंगे इसमें। धीरे धीरे करके आप इसमें 5 से 6 पीसेस डाल देंगे और इसको तेज फ्लेम पे ही फ्राई करना है, ज़्यादा कम पे नहीं करना, नहीं तो कम पे ये बिखर जाते हैं। इसको तेज पे अच्छे से फ्राई कर लेना है क्योंकि ये तो अच्छे से पके हुए हैं ही। इस तरह से फ्राई करना है, इसको गोल्डन बनाना है। दोनों तरफ से अलट पलट के इसको फ्राई करेंगे। अब ये फ्राई हो चुके हैं, गोल्डन होने लगे हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे, देख रहे हैं आप ये तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे और इसी तरह से सारे पीसेस को हम फ्राई कर लेंगे। अब हमने एक पैन में थोड़ा सा तेल लिया है और उसमें 1/4 चम्मच जीरा डालेंगे और 2 चुटकी हींग फिर से डालेंगे और जीरा और हींग थोड़ा सा तरक जाए तो उसमें हम तेज पत्ता डालेंगे। अब मैंने 2 टमाटर बारीक पीस लिया है, एकदम बारीक पीसना है पेस्ट इसका। और टमाटर के साथ मैंने 1 इंच की अदरक और 2 हरी मिर्च भी डाली थी और तीनों को साथ में ही पीस लिया है। ये ध्यान रखें कि टमाटर के साथ अदरक और हरी मिर्च भी डाल के पीस लें जिससे सब्जी का स्वाद बहुत ही अच्छा हो जाता है। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और 1/2 छोटा चम्मच
हल्दी पाउडर डालेंगे और लगातार चलाते रहेंगे टमाटर के साथ मसालों को, और एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और एक चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे और फिर हम मसालों को अच्छे से चलाते रहेंगे। एक चम्मच नमक डाला है मैंने, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, और नमक डालने के बाद भी हम चलाएंगे। और एक चम्मच मैंने जीरा पाउडर भी डाला है, रोस्टेड जीरा पाउडर, आपके ऊपर है आप डालें, ना डालने का मन है तो नहीं भी डाल सकते हैं। और इसमें हम 2 कप पानी डालेंगे ग्रेवी बनाने के लिए। इस तरह से पानी डालने के बाद इसको फिर से चला लें। अब जब ये थोड़ा सा खोलने लगेगा तो इसमें हम जो हमने फ्राई करके रखे थे वो सारे बेसन के पीसेस को डाल देंगे इसमें इस तरह से, और इसको ढक के हम 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे और तेज आंच रखेंगे। 2 मिनट तक इसको खोलते रहना है। आप देख रहे हैं ये तैयार हो चुका है, और इसमें हम धनिया पत्ती ऊपर से डाल देंगे। अब ये तैयार हो चुकी है सब्जी, ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आप इसको घर में बनाएं और सभी को खिलाएं, और आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज पसंद आती हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।